A very good morning to all. Samriddhi Bachche, if any doubt is there from the previous question, ask till the others join. If there is any doubt in the any of the homework part, you can ask. Otherwise, I will start with question number 20. Gurkirat, if you are having any doubt, you can ask. No, ma'am. Fine. Then question number 20 we will start with. We are having sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x. And we are to prove that this is equal to 2 sin x. Now, sin x minus sin 3x. Kya formula hota hai, Gurpita? Will you tell me? Sin x minus sin 3x. Sin c minus sin d. Can you tell me the formula? Samriddhi? Mom, 2 cos c plus d upon 2. Mom? ठीक है 2 cos आगे c plus d upon 2 sin c minus d upon 2. So this is 2 sin 2 cos x plus 3x by 2 sin x minus 3x by 2. We are taking the left hand side, dealing with the left hand side. यहाँ पे देखो, we are having sin square x minus cos square x. हमने cos 2x का formula किया हुआ है, cos square x minus sin square x. तो यहाँ वाले जो signs हैं, उसके उल्टे signs यहाँ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? Negative sin square x. Now in the numerator we are having 2 cos. 4x by 2 is 2x. X minus 3x is minus 2x divided by 2. So that is sin of minus x upon me. This yahan pe bracket lagegi aapki minus cos square x minus sin square x. This is cos 2x. So we will replace this. Yahan pe aap formula likh loge aapne kaun sa use kiya hai. Sin c minus sin d. That is 2 cos sum of the angles by 2 sin difference of the angles by 2. So sin of minus theta aapne kiya hua hai, that is equal to minus sin theta. So ye wala negative sign hum bahar le lenge. We are having 2 cos 2x sin x upon cos 2x with negative sign. ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे. cos 2x cos 2x कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2 sin x व्हिच इज द राइट आंसर. सो अगेन यू कैन सी कि सिंपली हमने फार्मूला यहां पे अप्लाई करना था. जो फार्मूला हमने यहां पे अप्लाई किया तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करके वी हैव गॉट द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. अब क्वेश्चन नंबर 21 में अगेन वी आर हैविंग 3 टर्म्स जो हमारी cos की फॉर्म में ऐड हो रही है. वी आर हैविंग cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x. एंड इन द डिनोमिनेटर द सेम एंगल्स विद d रेशियो साइन. 4x plus sin 3x plus sin 2x. And this are proof that this is equal to cos 3x. जब भी तीन टर्म्स हैं इस तरीके से, या मतलब मोर देन टू टर्म्स हैं, तो हमें इनकी पेयरिंग करनी पड़ेगी कि किन दो में हम सीडी फॉर्मूला लगाएं, ताकि जो उनका सम ऑफ एंगल्स बाय टू या डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय टू आता है, वो थर्ड वाले के इक्वल आए. तो आपने ये वाला काम रफ में करना है. 4x 3x एंड 2x, इन दोनों का सम लिया, दैट इज
सेवन एक्स बाय टू, डिफरेंस एक्स बाय टू थर्ड वाले के इक्वल नहीं है, तो इट मीन इन दोनों की पेयरिंग हम नहीं कर सकते. इन दोनों की चेक करो, थ्री प्लस टू फाइव एक्स बाय टू, थ्री माइनस टू एक्स बाय टू अगेन, क्योंकि हमने इन दोनों को लिया है तो थर्ड वन ये है, तो फाइव एक्स बाय टू एक्स बाय टू इज नॉट इक्वल टू दिस. अब हम क्या करेंगे, फोर एक्स और टू एक्स की पेयरिंग कर, जो हमारे ये रहे, फोर प्लस टू सिक्स बाय टू इज थ्री एक्स, जो हमारा थर्ड वाले एंगल के इक्वल है, तो इट मीन्स हम फोर एक्स और टू एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा ले लेंगे यहाँ पे. सो वी विल री राइट द लेफ्ट हैंड साइड इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, सेम एंगल्स वी आर हैविंग, सो वी विल डू द सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो. इससे क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टू टर्म्स में यहाँ पे सी डी फॉर्मूला लगा देंगे तो इनमें भी cos 3x वाली आपकी एक टर्म आ जाएगी, जहां से हमें थिंग्स को कॉमन लेना जो है वो इजी रहता है. सो दिस इज sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x. अब यहाँ पे आप सी डी फॉर्मूला लगा दोगे तो वी विल बी हैविंग cos 4x प्लस cos 2x, cos c प्लस cos d. cos c प्लस cos d का हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos sum of the angles by 2 and difference of the angles by 2. So this is 2 cos 4x plus 2x 6x by 2, that is 3x, and cos difference of the angles by 2, 4x minus 2x हो जाएगा आपका 2x by 2 is x, or plus cos 3x as it is. In the denominator also we are having sin c plus sin d. साइन सी प्लस साइन डी का हमारा फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू. अच्छा यहाँ पे भी जो है हमने इनको रीराइट करना था, फोर एक्स और टू एक्स और ये थ्री एक्स यहाँ, तो इन दोनों को आपने ले लेना पहले. सो दिस इज टू साइन थ्री एक्स साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस डी बाई टू प्लस साइन थ्री एक्स. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो थिंग्स हमारी कॉमन निकल रही हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे. सो फ्रॉम द न्यूमरेटर वी आर हैविंग कॉस थ्री एक्स एज कॉमन, फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग साइन थ्री एक्स एज कॉमन. सो न्यूमरेटर में कॉस थ्री एक्स लिया हमने, सो वी आर हैविंग इसको छोड़ दो, बाकी क्या रह गया, टू कॉस एक्स प्लस का साइन एज इट इज ये बाहर ले लिया हमने, इसकी जगह कुछ नहीं है, मीन्स वन. इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो साइन थ्री एक्स मैंने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में रह गया ये टू कॉस एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बाहर लिया, तो इसकी जगह वन. अब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है तो दीज विल कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद कॉस अपॉन साइन थ्री एक्स. कॉस अपॉन साइन हमारा कॉट एक्स होता है, तो दिस इज कॉट थ्री विच इज आर आई. See the solution once again. हमें यहाँ पे given है cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon में sin 4x plus sin 3x plus sin 2x. हमने क्या करना है, अब इनका pairing करनी है इस तरीके से कि sum of any two angles by two या difference of two angles by two जो है इनमें जो third angle दिया है, तीन angles हमें यहाँ पे given है, इन्हीं तीनों को आपने लेके चलना है, इनमें जो थर्ड एंगल है उसके इक्वल होना चाहिए. तो cos 4x और cos 2x इनका सम बाय 2 जो है दैट इज इक्वल टू 3x. तो हमने 4x और 2x वाली टर्म्स इकट्ठी ले ली, यहाँ पे भी 4x और 2x वाली टर्म्स इकट्ठी ले ली, थर्ड टर्म हमने दोनों में अलग लास्ट में. यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में यू विल यूज द फॉर्मूला यू विल राइट डाउन ओवर हियर, cos c plus cos b, जो भी आप आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज करते हो दैट यू हैव टू मेंशन. सो दिस इज 2 cos sum of the angles by 2 and cos difference of the angles by 2, sin c plus sin d, that is 2 sin sum of the angles by 2 cos difference of the angles by 2. ये हमने identity यहाँ पे use की, then जो है numerator में से cos 3x common लिया, denominator में से sin 3x common लिया, we are left with 2 cos x plus 1 in numerator as well as denominator, both are same, so these will get cancelled. Then cos 3x upon sin 3x is cot 3x, which is the right hand side. Now moving on to question number 22. This one is a very important question. इस type का आपका question जो है example है यहाँ पे example 14 also.
वो भी आपने कर लेना है। ये दोनों के दोनों जो है आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ इसमें जो है आपका जो 22nd क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मेथड आपका अलग हो जाता है। cot 3x जो है हमने शो करना है, cot x into cot x cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x is equal to 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cot 3x को rewrite कर देते हैं, क्योंकि सभी टर्म्स जो है वो हमारी x 2x या 3x में बन रही हैं, तो जो हमारी सबसे बड़ी टर्म बनती है that is cot 3x। तो हम क्या करेंगे, इसको rewrite कर देते हैं 3x को x प्लस 2x के फॉर्म में। अब cot x प्लस 2x यानी कि cot ऑफ a प्लस b दैट इज cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a या cot a प्लस b। फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू द क्वेश्चंस। अब ये फॉर्मूला हम इधर लगा लेंगे, cot 3x जो है वो हमारा एज इट इज चलता जाएगा। सो cot 3x इज इक्वल टू दिस इज योर a दिस इज योर b x प्लस 2x, एक को a ले लो एक को b ले लो। सो वी आर हैविंग cot a cot b यानी कि cot x cot 2x माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b दैट इज cot x प्लस cot। जहां पे भी 3x x और 2x की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं और टर्म्स tan या cot में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देयर वी विल गो फॉर दिस ओनली। आपका जो एग्जांपल है उसमें भी tan की टर्म्स में है, तो वहां पे हम tan 3x को tan x plus 2x पुट करते हैं एंड देन tan ऑफ a plus b का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि cot की टर्म्स में गिवन था तो cot ऑफ a plus b का फॉर्मूला लगाया। After this, जो next step है हमारा, that is, आपने इनको cross multiply कर देना है। इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं है, means 1 है, तो cot 3x आपका multiply हो जाएगा with cot x plus cot 2x and the right hand side as it is, 1 से multiply हो रही है क्योंकि। Now open the bracket over here, cot 3x cot x plus cot 2x in cot 3x, this is equal to cot x cot 2x minus 1। अब इसको रीराइट कर लोगे जिस फॉर्म में हमें इसको प्रूव करना है उस फॉर्म में। सो वी विल बी हैविंग, हमें लिखना है cot x cot 2x, ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड रखनी है, माइनस ये वाली टर्म्स ले आनी है और 1 जो है वो एक तरफ रखना है। तो मैं क्या करूंगी, अब इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाऊंगी क्योंकि cot x cot 2x मुझे पॉजिटिव चाहिए, माइनस 1 को मैं इधर ले आऊंगी। So minus 1 इधर आके plus 1 हो जाएगा, this is equal to cot x cot 2x already इधर है आपका on the right hand side। इन दोनों terms जो हैं इनको हम दूसरी side पे लेके जा रहे हैं, इनके signs जो है वो change हो जाएंगे। So this will be cot x cot 3x। अब मैंने यहाँ पे you have to check कि कोई गलती की है, तो you have to tell, this is cot x cot 3x plus cot 2x cot 2x. If there is any mistake, you are to point out that. One mistake I have made. Minus 4 to x. कहाँ पे बच्चे? Here? Yes. Yes. हम plus के साइड पे लेके आए हैं, तो this will be माइनस। तो हमारा जो है ये 1 इज इक्वल टू cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot x cot 3x, और इसको हम अब a इज इक्वल टू b की फॉर्म है, इफ वी आर हैविंग a इज इक्वल टू b तो दिस इंप्लाइज दैट b इज आल्सो इक्वल टू a। तो ये सारी तीनों की तीनों टर्म्स हम लेफ्ट पे लिख लेंगे, 1 को हम राइट साइड पे लिखेंगे, तो जैसे हमारा बुक में है इट विल बी इन दैट फॉर्म ओनली, अदरवाइज यू कैन लीव अप टू दिस पॉइंट आल्सो दैट वन इज आल्सो। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को नहीं किया है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अब इसको एक बार दोबारा देख लो, 3x cot 3x cot x और cot 2x वाली हमारे पास टर्म्स थी,
तो हमने क्या किया, cot 3x को रीराइट कर लिया 3x को x प्लस 2x की फॉर्म में. देन यहाँ पे cot a प्लस cot b का फॉर्मूला लगा दिया. देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स ओपन की, वन को एक तरफ रख के बाकी सभी टर्म्स दूसरी तरफ ले गए, एंड दिस वी वर टू प्रूव. अब क्वेश्चन नंबर 23 अगेन, ये लास्ट के जितने भी ये क्वेश्चन है 22 से 25, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से एक जो है क्वेश्चन आपका आता ही आता, तो इनको आपने अच्छे से कर मार्क कर लिया, तो जो भी इंपॉर्टेंट बताया जाता है, तो इट मीन्स कि उनका थोड़ा सा मेथड अलग है, तो आप उनको देखना है ध्यान से व्हेनेवर यू विल बी रिवाइज. नाउ वी आर हैविंग द tan 4x और प्रूफ करना है मुझे दैट is equal to 4 tan x into the power 4x. वैसे मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि जब आप इस तरीके से ट्री रेशियोज वाले क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करते हो, तो जिस साइड पे हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होती हैं हम वो लेके चलते हैं, क्योंकि ज्यादा टर्म्स से कम टर्म बनाना हमें इजी रहता है. बट यहाँ पे क्या है, tan 4x है मुझे जो चाहिए राइट हैंड साइड पे, दैट इज 4 tan x 1 minus upon 1 minus 6 tan square x plus tan to the power 4 x. अब इन पास 4 बन रहा है, x बन रहा है, और पावर्स भी देखो, अगर आप यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, here also I am having power 2 of tan. So मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँ, क्योंकि मैंने डबल एंगल वाला फॉर्मूला किया हुआ है, तो आई विल अप्लाई दैट ओवर हियर. tan 4x को लेफ्ट हैंड साइड हम tan 4x को आई विल रीराइट एज tan ट्वाइस ऑफ 2x, tan 2 थीटा के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया. नाउ आई नो द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. मेरा यहाँ पे थीटा क्या है, 2x, तो जहां जहां पे थीटा है आई हैव टू रिप्लेस दैट विथ 2x. अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो मुझे यहाँ एंगल दिया है, जब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने इसका हाफ कर देना है, 4 का हाफ 2, 4x का हाफ 2x. तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी यहाँ पे, 2 tan हाफ ऑफ द एंगल, 4x का हाफ मैंने 2x कर दिया, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. आपने इसको लर्न भी इसी तरीके से करना है कि tan आपका जो भी यहाँ एंगल गिवन है, हियर दिस इज 2 tan हाफ ऑफ दिस एंगल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल. अदरवाइज आप क्या करो, इसको ट्वाइस ऑफ की फॉर्म में लिख लो, फिर जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल आप लेके चलिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है यू कैन गो फॉर दैट. मुझे जो प्रूव करना है tan x की फॉर्म में है, अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, tan 2x का भी फॉर्मूला दोबारा से लगाना पड़ेगा. सो दिस इज 2 tan 2x. अब tan 2x की जगह अगेन ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x की फॉर्म में है तो मैं हाफ ऑफ द एंगल 2x का हाफ x ले लूंगी, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x. ये फॉर्मूला मैंने यहाँ न्यूमिरेटर में अप्लाई किया, यहाँ पे आप लिख दो tan 2 थीटा is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. ताकि ये फॉर्मूला यहाँ भी हम क्योंकि यूज कर रहे हैं तो एक ही जगह हुआ पूछ. अब यहाँ पे अपॉन 2 tan 2x को 2 as it is, यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया, then upon में भी ऐसे 1 minus tan square 2x, मतलब tan 2x का whole square. तो tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका होल का स्क्वायर. अब इनको सिंप्लीफाई करना है एंड वी विल गेट आवर आंसर. सिंप्लीफाई करते हुए ये हो जाएगा आपका 2 जो है दिस विल बी 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x. ये न्यूमिरेटर हो गया हमारा, डिनोमिनेटर में अगेन हम इसको जब सिंपलीफाई करेंगे दिस इज 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर. 2 tan x का स्क्वायर हो गया 4 tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया. अब यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूंगी, सो दिस इज 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x
अपॉन एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x एज इट इज अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम एक तरह से देखें तो ये जो चीज है वो इस वाले से डिवाइड, जब आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो वी विल बी हैव एक्स, ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन में दिस एज दिस। इसको a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप खोल लोगे, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला माइनस 4 tan स्क्वायर x साथ में एज। ये 1 माइनस tan स्क्वायर x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आई एम हैविंग 4 * 1 1 as it is tan to the power 4 x as it is, now these are like terms minus 2 tan स्क्वायर x and minus 4 tan स्क्वायर x, so this is minus 6 tan स्क्वायर x which is the right side, so ये आपका था कांसेप्ट। tan 4x का जो है हमने फॉर्मूला लगा दिया, tan इसको लिख लिया twice of 2x, अगर ऐसे नहीं लिखना आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला, तो दिस इज 2 टाइम्स tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, यानी कि 2 टाइम्स tan हाफ ऑफ द एंगल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल, अगेन tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 टाइम्स tan हाफ ऑफ द एंगल, अब यहाँ पे एंगल 2x था 2x का हाफ x होता है, this is 2 tan x upon 1 minus tan square x square था, तो हमें यहाँ पे whole square वाला formula खोला, then हमने LCM लिया, और उसके बाद numerator upon denominator, numerator upon denominator, इसका denominator ऊपर चला जाएगा, ये denominator और ये numerator आपस में multiply हो जाते हैं, ये square था, दोनों terms same थी, तो power 1 जब आप ऊपर लेके जाओगे, divide करते हुए, you know that powers are subtracted, तो 2 से जब आप 1 subtract करोगे, denominator में 1 plus tan to the power 4x as it is, minus 2 minus 4 like terms थी with tan square x, तो minus 2 minus 4 जो है that will become minus 6 tan square x as it is, और यही चीज हमें क्या करनी थी, proof करनी थी, इसको आप अगर rewrite करोगे तो you will get the same thing, so this was the question number 23, now question number 24, क्वेश्चन नंबर 24 में cos 4x गिवन। अब देखो cos के जो है मैंने काफी सारे फॉर्मूले किए हुए हैं, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या प्रूव करना है अकॉर्डिंगली cos का मैं फॉर्मूला लगाऊं। cos का एक फॉर्मूला मैंने किया हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक किया हुआ है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक किया हुआ है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, देन tan की टर्म्स में किया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, अब जो फॉर्म है अभी cos 2x का जो मैं फॉर्मूला यूज करती वो 1 माइनस वाली फॉर्म, 1 माइनस वाली फॉर्म कौन सी है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में cos 4x that is equal to 1 minus 2 sin square half of the angle, 4x का half मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 minus वाली फॉर्म में मुझे प्रूव करना है अपने रिजल्ट को, तो मैंने 1 minus वाला फॉर्मूला लगाया, cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square half of this angle, 2x का half x है। अब साइन स्क्वायर को आई हैव टोल्ड यू दिस कैन बी रिटन एज साइन 2x का होल स्क्वायर, अब साइन 2x का मेरे पास फॉर्मूला है, मुझे प्रूफ करना है उसमें साइन x कॉस x प्रोडक्ट भी फॉर्म में आ रहे हैं, तो साइन 2x के फॉर्मूले मेरे पास एक साइन कॉस वाला एक टैन वाला, तो मैंने साइन कॉस वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर, नाउ दिस इज 1 माइनस
साइन टू एक्स का फॉर्मूला, टू साइन हाफ ऑफ द एंगल कॉस हाफ ऑफ द एंगल. अब ब्रैकेट ओपन कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर. क्योंकि टर्म्स प्रोडक्ट हो रहा है उनका, तो हमने सिंपली स्क्वायर कर दिया. टू स्क्वायर इज फोर, साइन एक्स स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स. अब ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट आंसर. सो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया. इस क्वेश्चन में नथिंग सो डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन. बस आपको मेन जो है वो ये समझना है कि कहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे में है. वी आर हैविंग कॉस सिक्स एक्स. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज कॉस सिक्स एक्स. और प्रूफ क्या करना है मुझे, 32 cos to the power 6x minus 48 cos to the power 4x plus 18 cos square x minus 1. अब यहाँ आपने ध्यान देना है जो ये minus 1 है, यानी कि cos वाला जो है मुझे फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट करना है, समथिंग माइनस वन. मेरे पास माइनस वन वाला cos 2x का कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज 2 cos square x minus. तो मैं ये फॉर्मूला यूज करती हूँ, cos 2x, 2 cos square, half of the angle, minus 1. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगी. लेफ्ट हैंड साइड में आई एम हैविंग cos 6x. तो इसको मैं ये वाले फॉर्मूले से रीराइट करूंगी. तो दिस इज 2 cos square, half of the angle, minus 1. 6x का half 3x आ गया. अब जो मुझे प्रूव करना है, देखो माइनस वन तो मेरा ये आ चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास क्या है cos 3x. 3x का अगेन मुझे फॉर्मूला पता है, दैट इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x. मैं फिर से वही फॉर्मूला, और यहाँ हमने यूज किया है cos 2x इक्वल टू 2 cos x माइनस 1. फॉर्मूले जरूर साथ में मेंशन करने हैं, तो आप यूज करोगे. अब यहाँ 3x की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगी. पहले मैंने इसको रीराइट कर दिया, cos 3x का स्क्वायर. अब 3x की मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, दैट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल का स्क्वायर. और ये माइनस 1 एज इट इज. माइनस 1 को अब हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये हमें एज इट इज. यहाँ पे हम a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला, दिस इज ट्वाइस a square, 6 minus की जगह plus 9 cos square x minus 4 3s are 12, 2s are 24, 2ab की फॉर्म में हम लिखते हैं. तो दिस इज cos to the power 4x, then this minus 1 as it is. ब्रैकेट ओपन कर लोगे, दिस इज 32 cos to the power 6x, 32 cos to the power 6x आ रहे, plus 18 cos square x, 18 cos square x आ रहे, minus 48 cos to the power 4x, minus 48 cos to the power 4x, और ये minus 1 आपका as. So this is the answer. Questions ये मुश्किल नहीं है, but इनमें ध्यान से देखना पड़ता है कि हमने कहाँ पे कौन सा वाला जो हमारा formula है वो apply करना है. So these were the questions for exercise 3.3. ये आपके हो गए इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक. अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया हुआ है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपकी वो इक्वेशंस आएंगी जिनमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल. एक अगर हम मतलब बात करें कि जिसमें एक वेरिएबल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ये इक्वेशंस इससे रिलेटेड कल करेंगे, अभी टाइम है थोड़ा सा बारे में आपको बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किस तरीके से हम फॉर दैट हमें इंटरवल के बाद कोई भी जो आपका टी रेशियो है वो रिपीट करता है. हमने क्या किया हुआ है, साइन एक्स और कॉस एक्स दिस रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π. ये 2π के इंटरवल के बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं. सेम वे में आप क्योंकि जो आपके साइन और कॉस रिपीट हो रहे हैं, तो सेम वे में आपके जो और
कॉसेक है वो भी इसी तरीके से रिपीट हो गया हमारा, दैट रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई. ये पाई के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू होता है. साइन एक्स और कॉस एक्स का मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था. ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है, इसी तरीके से ये इधर जाता है. तो जो है ये 2π के बाद, यानी कि यहाँ 0 से लेके ये हमारा 2π होता है. इसके बाद यानी कि ये पोर्शन जो है फिर आगे रिपीट होता है. तो आफ्टर एवरी 2π इंटरवल जो है ये हमारे रिपीट होते हैं, यानी कि ये जो फॉर्म आएगी हमारी ये सिंगल वेव. अब ये वेव्स इसी तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे तो ये बनती है. तो एक 2π इंटरवल ये हो गया आपका, एक 2π इंटरवल ये हो जाएगा, देन नेक्स्ट 2π हो जाएगा, एंड सो हर 2π इंटरवल के बाद जो है आपका इतना जो पोर्शन है उसको मैं डार्कन कर रही हूँ. दिस रिपीट, ये आपकी साइन वेव है. सेम वे में कॉस, सेम वे में टैन जो है वो पाई के बाद इंटरवल, पाई के बाद रिपीट करना शुरू करते हैं. तो ये साइन का हो गया, कॉस का भी इसी तरीके से यहाँ से ऐसे जाता है आपका. तो कॉस का ये शुरू होता है, टैन का जो है वो पाई से. तो ये हमारा जो जिस इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं 0 से 2π के बीच में जो लाए कर रहे हैं, दैट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. यानी कि फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली जो हमारी वैल्यूज आएंगे किसी भी टी रेशियो के लिए, दैट विल बी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की जो भी वैल्यूज आएंगी, तो दैट विल बी प्रिंसिपल सॉल्यूशन. हर टी रेशियो के लिए 2 वैल्यूज आएंगी आपकी, क्योंकि हर टी रेशियो आपका 2 जगह पे पॉजिटिव या 2 जगह पे नेगेटिव है. इसमें ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, हियर वी आर हैविंग टैन एंड कॉट पॉजिटिव, हियर कॉस एंड सेकंड आर पॉजिटिव. अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, कॉसेक इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी के 2 क्वाड्रेंट्स में ये नेगेटिव. Then 10 and cot is positive in third and first quadrant. बाकी के दोनों quadrants में these are negative. Cos और secant की बात करें तो these are positive in first and fourth quadrant. बाकी के दोनों quadrants में these are negative. तो हर t ratio आपका 2 quadrants में positive बनेगा, 2 quadrants में 0 to 2π के बीच में लाए कर रहे हैं. तो हर t ratio का जब हम principal solution निकाल लेंगे, हमारे पास हमेशा 2 values आएंगे. पॉजिटिव है तो किन किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है अकॉर्डिंगली, नेगेटिव है तो किन किन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है अकॉर्डिंगली, यू विल गेट 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फॉर ऑल टी रेशियोस. जब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में हम अपने आप को 0 to 2π में जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं करते. जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब कि जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज लेंगे, दैट आर द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर ऑल रियल नंबर्स. मतलब 0 to 2π के बीच में हमने खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, वो जो है हर इंटीजर के लिए आपको सॉल्यूशन देंगे. एन की जो हम एन की फॉर्म में आंसर लिखते हैं, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू 0 में हम एक्स इज इक्वल टू एन पाई ले लेते हैं, तो जो एन की टर्म्स में आपका सॉल्यूशन आएगा, दैट विल बी अ जनरल सॉल्यूशन. फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली जो आप सॉल्यूशन दोगे, दैट विल बी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और यहाँ पे n जो है आपका, दैट कैन बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है. तो दिस इज एनी इंटीजर, आपका 0 to 2π के बीच में जो क्वेश्चंस हैं, दैट वी विल डू टुमारो. पहले हम देखेंगे कि कौन से टी रेशियो का कौन सा सॉल्यूशन बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट, एंड देन आफ्टर जो है हम करेंगे. If any doubt is there in today's lecture, so you can ask. If no doubt is there, then I'm just ending the meeting. If any doubt is there, you can unmute yourself and you can ask your doubts.